यूनिवर्सिटी पटियाला एक बार फिर तो गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने मिले, जिथे दिन दिहाड़े बीटेक की पढ़ाई कर रहे एक नौजवान का तेजधार हथियार कतल कर दिया गया। मिली जानकारी अनुसार नवजोत नाँ के विद्यार्थी की यूनिवर्सिटी बाहरों दाखिल हो एक नौजवानों वालों कतल किया गया है। इस घटना च एक होर नौजवान गंभीर रूप से जख्मी भी होया है, जदों कि नवजोत ने रजिंद्रा हस्पताल आके दम तोड़ दिता। इस तो बाद परिवार का रो रो के बुरा हाल है। होर की कुछ कहना परिवार का तुसी खुद ही सुन लवो। मेरा नाम अमृतपाल सिंह। अमृत जी, की संबंध है भला जिदा जिहड़ी डेथ हुई है ते कीमें हुई है, उत्ते थोड़ी डिटेल दिओ। इह साडा भतीजा ही लगदा सीगा, मैनूं रोज़ रोज़ाना दी तरह अपने यूनिवर्सिटी जांदा सीगा, बी टेक कर रहा है। ये दो भैन भरा ने बहुत लाइक और सब बच्चा सीगा, पर अज तक इस परिवार की कदे कोई लड़ाई झगड़ा जां बच्चा किसी ने भी कदे उच्चा बोल बोलिया होवे असीं सोच नहीं सकते। अज मैं परे मन नाल कह रहा कि बहुत गलत होया। की कारण की बणिया जी लड़ाई झगड़े दा? कारण तो सुनने आया भी कोई होर बच्चे की लड़ाई हुई सी, ये साइड पर खड़ा सी। अच्छा, उत्थे भी पता कर सुनने भी आया, कुछ यार दोस्त दस रहे हैं कि ये तो साइड पर खड़ा सी। हमलावर किन्ने सी जी जो करके गए हमला, किन्ने सी बंदे जिन्होंने हमला किया? दसदे जी काफ़ी सी, क्योंकि जिते ये तो साइड पर खड़ा सी। किस की चीज़ मारी सी उन्होंने, चाकू या कुछ? ये कुछ पता नहीं चल सके, क्योंकि अभी तक डेड बॉडी देखी होनी जी, किस तरह की मारिया बच्चे ने पोस्टमार्टम तो बाद। वीर जी, वीर जी गल करिए, यूनिवर्सिटी बहुत वड्डा अदारा, जिवें आउटसाइडर की गल हो रही है, भी बाहरों बंदे गए अंदर, की कहना चाहोगे इनू लैके? भी ठीक है कम, भी बाहरों जा रहे हैं? गलत हो रहा जी, कोई है ही नहीं किसी पास भी, सरकार कुछ कोई ध्यान ही नहीं दे रही इस पास बच्चों का। देखो शरेआम कतलेआम हो रहा है, कोई सेफ ही नहीं है बच्चा किसी कॉलेज स्कूल के भी, है ना। उत्तर देखो लड़ाई झगड़ा होया, कला बच्चा परिवार के यही देखने रह गया सीगा जी, अज वो भी सामने माँ प्यो के दया। पुलिस तो हूँ की मांग करते हो? इंसाफ मांग करते हैं भी जो दोषी ने उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है इस परिवार को। पूरा किसी की पछाण हुई है जी? नहीं जी पछाण नहीं, होता हूँ जो यार दोस्त ने जी कोई कंप्लेट वगैरह हुई है वही दस सकेंगे। जख्मी भी है नाल वो दोस्त, कोई जख्मी भी है नाल कोई दोस्त ने? कोई होएगा जख्मी, पर अजे तक कोई सामने नहीं पछाण। चलो ठीक है। पुरानी रंजिश या दुश्मनी कोई रंजिश नहीं, बहुत साहू सी जी, बाकी साढ़े सारे परिवार का कोई रंजिश नहीं जी। कला बच्चा घर किन्ने बजे पता लगे जी तुम्हें लड़ाई झगड़ा? सात बारह साढ़े बारह पता लगे जी। इस संबंधी पुलिस का कहना है कि उन्होंने वालों मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि लड़ाई के कारण का हाले तक पता नहीं लग सकिया, पर उन्होंने तफ्तीश जारी है। सानू रिसेंटली पता लग गया, तो मौका विजिट किया गया, नवजोत नाम का लड़का सीगा जो बीटेक कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट सीगा, तो यदा कोई तीन व्यक्ति जो पता लग रहा भी उन्होंने ये चाकू मार के हत्या कर दी है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ते इधर पोस्टमार्टम कराने तो बाद केस रजिस्टर करके कुछ जानकारी जो आया है कितने बंदे सी है ते लड़ाई किस कारण नाल हुई? तीन बंदे का पता लग गया, तो हले क्योंकि जिन्हें चिर बंदे फड़े नहीं जाते उन्हें चिर तक कोई इशू जो क्लीयर नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज सर सामने? हाँ हाँ सारा कुछ है, वो कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, केस रजिस्टर कर रहे हैं। 302 का जिक्र जो है कि पंजाब च बेखौफ दिन दिहाड़े हो रही वारदातां कानून व्यवस्था से कई सवाल खड़े कर दिया ने। पहला गोइंदवाल साहब केंद्रीय जेल च हुई घटनावां ते हुण पटियाला यूनिवर्सिटी दे विच इह वारदात हुई है। हुण देखना होवेगा कि पुलिस कदों तक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च होए कतल की गुत्थी नूं हल करदी ते मुलजमां नूं काबू करदी है। पटियाला तो अमरजीत सिंह, पंजाबी लोक चैनल।